एक गांव के पास पहाड़ के जंगल में एक शेर रहता था। उसे गांव में जाके मुर्गियां और बकरियों की शिकार करने की आदत सी हो गई थी। उसके इन रोज के हमलों से परेशान गांव वालों ने उसे पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाया और जिस रास्ते से गांव में वो आता था ना, वहां वो पिंजरा रख दिया। शेर साहब बस हमेशा की तरह छुप-छुपते गांव की ओर जाने लगा। जंगल से जाते समय अचानक गांव वालों ने रखे पिंजरे में अटक गया। उसने जोर-जोर से गरजना शुरू किया, पर जंगल में तो कोई भी नहीं था। उसी गांव के एक ब्राह्मण पुरोहित पहाड़ के दूसरी ओर के गांव में पूजा के लिए उस रास्ते से जा रहे थे। ब्राह्मण को आते देखकर शेर के मन में रिहाई की उम्मीद जगी। वो ब्राह्मण को पुकारने लगा। शेर पुकार रहा है ये देखकर ब्राह्मण तो बहुत डर गया। ब्राह्मण को डरे हुए देखकर शेर ने बड़ी नरमाई से कहा, अजी ब्राह्मण महाराज, यूं भाग कर मत जाइए ना। अजी बहुत देर हुई मैं इस पिंजरे में फंसा हूँ, मुझे मेहरबानी करके बाहर निकालिए ना। अजी अजी मुझे मेरे घर जाना है। शेर का गिड़गिड़ा के बोलना सुन के ब्राह्मण बेचारे पिघल गए। पिंजरे का दरवाजा खोल के उन्होंने शेर को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही शेर साहब की नरमाई की आवाज बदल गई। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया और ब्राह्मण से कहा, अच्छे हाथ लगे हो, अब तुम्हें ही खा जाता हूँ। इसलिए ब्राह्मण जी डर गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये सुन के पेड़ पे बैठे एक बंदर ने उन्हें पूछा, क्या हुआ ब्राह्मण जी, चिल्ला क्यों रहे हो? डूबने वाले को तिनके का सहारा। ब्राह्मण ने उस बंदर से फिर जो कुछ हुआ वो सब बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद बंदर ने शक भरी आवाज में पूछा, क्या कह रहे हैं आप ब्राह्मण जी? अजी जंगल का जो राजा है वो भरपूर ताकत वाला शेर कहाँ और ये चूहे पकड़ने का पिंजरा कहाँ? ब्राह्मण जी बंदर का ये कहना सुनकर चकित हो गए, पर शेर साहब को लगा कि बंदर उसे झूठा साबित कर रहा है। उसने बंदर से कहा, मैं पिंजरे में फंसा था, बहुत देर से चिल्ला रहा था, ये झूठ है क्या? बंदर ने उसे कहा, मैं तो तुम्हें अभी देख रहा हूँ, तुम इतने बड़े और ये पिंजरा तो बहुत ही छोटा, तुम उसमें कैसे फंसे? मेरा इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं। बंदर की ये बात सुनके शेर साहब भड़क उठे और कहा, तो फिर देख लो अभी अपनी आँखों से। ऐसा कह के शेर फिर से पिंजरे में गया और पिंजरे में जाते ही पिंजरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और ये देखकर बंदर ने पेड़ पर से ब्राह्मण से कहा, अजी ब्राह्मण महाराज, भाग जाइए भाग जाइए, अब तो अपनी जान बचाइए। बंदर की बात सुनकर ब्राह्मण महाराज खुश होके धोते संभालते हुए भाग निकले और बंदर ने अपने को फिर से पिंजरे में फंसा दिया। ये देखकर शेर ने गुस्से से दहाड़ दी। अफला टून, 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 अफला टून।